Hey, what's up guys? This is TK. कैसे सब? I hope बढ़िया ही होंगे और स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिल होल असिस्ट के बारे में, जो कि हमारी गाड़ी में आता है, जिसको हम हिल स्टार्ट असिस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है हिल होल असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट, दोनों चीजें सेम ही है। तो क्या होता है हिल होल असिस्ट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या होता है हिल होल असिस्ट में, जो कि HHA आता है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई हिल आता है, जैसे हम हिल पर गाड़ी को लेके जाते हैं, तो जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो ब्रेक दबाने पर जैसे हम ब्रेक रिलीज करेंगे या फिर गाड़ी जैसे आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे आती है। तो हिल होल असिस्ट में क्या होता है, जैसे हम हिल पर जाएंगे और गाड़ी को रुकाएंगे और गाड़ी को रोकने के बाद जैसे हम ब्रेक रिलीज करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए जो हमारी गाड़ी रहेगी वो जगह पे ही रहती है, पीछे नहीं आती है। कुछ समय के लिए जो है गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक को दबा कर रखती है। तो जैसे ही हम क्लच को रिलीज करेंगे तो ये हमारी गाड़ी आसानी से आगे चली जाती है, मतलब हमारी गाड़ी जो पीछे नहीं आएगी, और जैसे हम क्लच रिलीज करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। चलिए एक लोकेशन पर चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। अभी हम आ गए लोकेशन पर। जैसे मैंने यहाँ पर हिल पर मतलब थोड़ा सा डला नहीं तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है। तो वहाँ पर जो है हमारा कैमरा लगा हुआ है, ओके। तो वहाँ पर देख सकते हो आप, वो रहा कैमरा, उस एंगल से आपको अभी व्यू दिखाई देगा, ओके। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ी सी गाड़ी को पीछे ले लेते हैं, तो ये देख सकते हो पीछे जा रही गाड़ी, ओके। तो अभी क्या है, मैं नीचे पेडल पे दिखाऊंगा आपको। अभी मैं थोड़ी सी गाड़ी आगे ले रहा हूँ, ओके। जैसे मैं अभी आगे लूँगा तो थोड़ी सी आगे ली और अभी मैंने ब्रेक को दबा दिया, ओके। अभी जो गाड़ी रुक गई, अभी मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा तो देखना आप गाड़ी कैसे होल्ड करके रखती है अपने आप को। तो अभी भी होल्ड करके रखा है, धीरे धीरे अभी पीछे जाने लगी, ओके। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पर और ब्रेक को छोड़ूंगा तो देखना आप, तो अभी भी होल्ड करके रखा है, अभी पीछे जाने लगी। तो अभी थोड़ा सा और आगे लेते हो और जैसे मैं एक्सीलरेटर पे पैर रखूंगा तो हमारी गाड़ी उठ के आगे चली जाएगी, ओके। तो चलिए अभी और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रिवर्स में भी वर्क करता है, तो रिवर्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे अभी मैं गाड़ी को ब्रेक पे से पैर उठाऊंगा तो अभी होल्ड करके रखा है गाड़ी ने, तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखती है। इससे क्या होता है, जो हमारी गाड़ी जो रहती है वो उसको हमको आगे बढ़ाने के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे कि अभी देखना, जैसे यहाँ पर होल्ड करके रखा है, जैसे मैं एक्सीलरेटर दूंगा तो इजीली गाड़ी जो है वो आगे चली जाएंगी, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी बंद भी नहीं पड़ेंगी और पीछे अगर कोई गाड़ी वगैरह रहेगी तो वो भी हमारी गाड़ी से टच वगैरह नहीं होगी या फिर हमारी गाड़ी पीछे जाकर उस गाड़ी में लगेंगी नहीं, ओके। तो अभी ये पीछे रिवर्स गियर में भी काम करता है, तो कैसे काम करता है वो भी हम जान लेते हैं। अभी गाड़ी को रिवर्स कर दिया है, ओके। जैसे मैंने अभी हैंड ब्रेक को हटा दिया, ओके। तो अभी जैसे मैं ब्रेक को रिलीज करूंगा तो आगे आराम से गाड़ी आगे चली जाएंगी। तो जैसे देखना अभी, ठीक है, आगे जा रही। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो यहाँ पर रिवर्स गियर डाल दूंगा और यहाँ पर ब्रेक पर से पेडल पे से पैर को उठा रहा हूँ अभी, ओके। तो देखो होल्ड करके रखा है गाड़ी ने और ये आगे जाने लगी। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक दबाया, फिर से छोड़ूंगा तो देखना होल्ड किया और ये आगे जाने लगे धीरे धीरे, देखा। तो अभी क्या करूंगा मैं, जैसे ही इस पर पैर रखा है, अभी ब्रेक पर से पैर उठा के जैसे ही गाड़ी को रिवर्स लेने का ट्राई करूंगा, तो देखना आप, अभी एक्सीलरेटर दिया, ये गाड़ी आराम से रिवर्स आ गई, ओके। तो कुछ इस तरीके से जो है ये वर्क करता है, ओके। तो ठीक है गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि हिल होल असिस्ट क्या होता है और हिल स्टार्ट असिस्ट क्या होता है, दोनों ही सेम है, पता है इसको दोनों को अलग अलग बोला जाता है। जैसे कोई बोलता है हिल होल असिस्ट या फिर कोई बोलता है हिल स्टार्ट असिस्ट, ओके। तो दोनों ही सेम थे, आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई घाट सेक्शन में जा रहे हैं या फिर पहाड़ वगैरह वाले एरिया में जा रहे हैं तो तभी भी ये काम करता है अच्छे तरीके से, ओके। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ओके। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।